नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली नवागत नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में आ गए हैं। उनके अमले द्वारा अपर सोना आमेन मार्ग से नवजीवन विहार इंदिरा मार्ग राजकमल होटल मस्जिद तिराह होते हुए पोस्टर बैनर होर्डिंग निकालने की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, उपायुक्त, एडिशनल एसपी, पुलिस के आला अधिकारी, निगम के कर्मचारी, उपयंत्री, वार्ड प्रभारी सहित लोग उपस्थित रहे। निगम आयुक्त ने बताया कि सभी नगर क्षेत्र की जनता से अपील है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सहयोग दें और प्रशासन के साथ में मिलकर सहयोग बनाए रखने में सहयोग करें। लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता का पालन प्रशासन स्तर पर तेजी के साथ में कराया जाएगा। जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आज नगर निगम के द्वारा जो है तो कार्यवाही की गई है, जैसे होर्डिंग और पोस्टर वगैरह जो लगे हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिलेवासियों से, क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंगरौली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता लागू होने से नगर निगम आयुक्त के नाते हमारी टीम को संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। उन निर्देशों के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय एवं सीईओ जिला पंचायत महोदय के साथ में एवं एडिशनल एसपी सिंगरौली के साथ में पूरी टीम, नगर निगम की पूरी टीम के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार परसोना रोड से लेकर के विंध्य नगर तक का मुख्य जो मार्ग है सिंगरौली नगर का, इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत झंडे, बैनर, पोस्टर आदि हटाने की कार्यवाही संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत आज कार्यवाही की गई है। इसके अलावा नगरीय सीमा के जो अन्य क्षेत्र हैं, बैढ़न आदि, उन क्षेत्रों में भी नगर निगम का पूरा अमला वार्ड प्रभारियों के साथ, सहायक यंत्री, उपयंत्री के साथ पूरा अमला लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सतत कार्यवाही जारी रखे हुए है। और ये कार्यवाही लोकसभा निर्वाचन संपादित होने तक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही सतत जारी रहेगी। मेरा इतना ही कहना है। ये सभी नगरवासियों से निवेदन है कि राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए इस कानून व्यवस्था में और लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करें। समस्त नगरवासियों से मेरी यही अपील है और यही निवेदन है।